बापू जानवी। यहाँ संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा मथुरा जंक्शन पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किशोर सर की सच्ची बात। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा। मेरे परिवार मेरे इलाके मेरे गांव और मेरे कार्यालय के साथ स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं मैं एकल उपयोगी प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करूंगा। जो प्लास्टिक का हम उपयोग करते हैं उसका हम पुनः उपयोग और पुनर्चक्र शिक्षित करेंगे, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण एक अतीत की चीज बन जाएगी। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया। मैं हूं किशोर स्वर्ण इसरानी। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा मथुरा जंक्शन पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन यहां पर अभी रेलवे डायरेक्टर एनपी सिंह और यहां के मथुरा जोन के जोनल इंचार्ज श्री एचके अरोड़ा, मथुरा के सेवादल संचालक श्री मोहन सिंह, साथ में दिल्ली से आए हुए निरंकारी प्रचारक जगदीश राज, जो कि हूबहू नरेंद्र मोदी जी जैसे लग रहे हैं, और वाकई ये सब मिलकर यहाँ पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। मथुरा जंक्शन का ये दृश्य है और इस तरीके से यहाँ पर ये स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं कि लोगों में ये भावना आनी चाहिए कि हम अपने आसपास का जो वातावरण है वो साफ रखें। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से यह अभियान चलाया जा रहा है, और इस बीच में हमारे यहाँ पर बहुत अतिथि आए हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने ये स्वच्छता अभियान चलाया है। हमारे बीच यहाँ पर ये दिल्ली से आए हुए निरंकारी प्रचारक हैं जगदीश राज जी, और ये यहाँ पर पूरे स्वच्छता अभियान में सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपका मथुरा में स्वागत है। आपको ये स्वच्छता अभियान में भाग लेकर कैसा लगा जी? बहुत अच्छा। तो काफ़ी समय से देख रहे हैं हमारे निरंकारी संस्था के जितने भी वो आते हैं, अभी लगभग हम लोग आज 300 से भी ज़्यादा स्टेशनों पर सफाई कर रहे हैं, और स्टेशनों के अलावा बहुत सारी और भी ऐसे संस्थाएँ हैं, जगह हैं, पार्क हैं, जहाँ पर हम लोग ये सफाई अभियान चला रहे हैं। ये देश के प्रति एक अच्छी जिम्मेवारी है, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर, ये स्वास्थ्य को भी ठीक रखने के लिए स्वस्थता हर तरह से ज़रूरी है। बहुत ही ये सदगुरु की शिक्षा है, प्रेरणा है, जिस कारण सारे इसने उत्साह के साथ सारे ये सफाई अभियान में जुटे हैं, और सारी संस्थाएं भी ये बहुत प्रयास करती हैं कि ये बहुत अच्छे से स्वच्छता अभियान सफल हो और देश स्वच्छ रहेगा, मन स्वच्छ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी मन स्वस्थ रह सकता है जी। और ये यहाँ पर जो है मथुरा जंक्शन पर ही नहीं, मुख्य गेट पर ही नहीं, बल्कि मथुरा जंक्शन के जितने भी प्लेटफार्म हैं वहाँ पर भी ये निरंकारी भक्त बड़े उत्साह के साथ सफाई कर रहे हैं और चप्पे चप्पे को चमकाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल घर की तरह ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस पूरी टीम का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो मथुरा जोन के जोनल इंचार्ज श्री एच के अरोड़ा जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी इस टीम में आज कितने सदस्य भाग ले रहे हैं? यहाँ मथुरा जंक्शन पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले आज ये सफाई अभियान रखा गया है, जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा निरंकारी भक्तों ने यहाँ आकर इस सेवा में योगदान दिया है। सारे ही प्लेटफॉर्मों पर और जितनी भी एंट्री है, तीन एंट्री यहाँ पर, तीनों एंट्रीज पर सफाई अभियान इस समय जारी है। एक ही संदेश हमारे सदगुरु का देने के लिए कि सफाई चारों तरफ होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, सफाई मनों में होनी चाहिए, दिलों में भी नफरत निंदा नहीं होनी चाहिए, यही इनका एक अभियान है कि और बिल्कुल तन्मयता से समर्पित होकर सफाई कर रहे हैं।
एक एक जन के अंदर एक जागरूकता पैदा हो कि हमें देश में सफाई रखनी है, घर में सफाई रखनी है, घर के अंदर और बाहर भी सफाई रखनी है और अपने मनों में भी सफाई रखनी है। और इस तरीके से ये निरंकारी जो भक्त हैं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले पूरे निष्ठा के साथ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। स्वच्छता का ये वादा, स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत अभियान, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा देश भर के 356 रेलवे स्टेशनों पर यह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा पूरे देश भर के 356 रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से यह आयोजन देश भर के रेलवे स्टेशनों पर हो रहा है। ये जो आप ये सफाई कर रहे हैं, आप ये किनके साथ आए हुए हैं? जो हम निरंकारी मिशन से जुड़े हैं और अपने मिशन के सदस्यों के साथ आए हैं। अच्छा, आप निरंकारी फाउंडेशन के बैनर तले जो रेलवे स्टेशन सफाई अभियान चल रहा है उसमें भागीदारी कर रहे हैं? अच्छा। तो ये आपके साथ जितनी भी हैं आपकी सहेलियां होंगी आसपास के? ये सभी निरंकारी परिवार के बच्चे हैं, हम भी इसी वहां सेवा करने का एक अवसर मिला है। बहुत से लोग यहाँ पे सेवा करने लगे हैं, बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ पे सेवा करने। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा मथुरा जंक्शन पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इससे पहले भी ये निरंकारी भक्त लगातार रेलवे स्टेशन पर आकर यहाँ पर साफ सफाई कर चुके हैं। 2015 से रेलवे स्टेशनों पर सफाई का ये अभियान बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शुरू किया। वे अक्सर कहा करते थे कि गंदगी अंदर हो या बाहर नुकसान का कारण होती है, तो इसलिए तब से लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि संत निरंकारी मिशन द्वारा 2002 से ये स्वच्छता अभियान पूरे देश भर में चलाए जा रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर ये पिछले 2 वर्षों से हम ये यहाँ पर सफाई अभियान चला रहे हैं और आज भी यहाँ पर जो है महात्मा गांधी की जयंती पर मथुरा के रेलवे जंक्शन पर यहाँ के निरंकारी जो भक्त हैं बड़े उत्साह के साथ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से स्वच्छता अभियान में भागीदारी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे एरियाओं को चमकाने में लगे हुए हैं जिन पर आमतौर पर साफ सफाई नहीं हो पाती है और बिल्कुल घर की तरीके से रगड़ रगड़ कर यहाँ पर प्याऊ या अन्य ऐसे स्थल है जहाँ पर लोग पीक कर जाते हैं उन पर भी ये सफाई हो रही है। वहीं यहाँ पर यह पॉलीथीन मुक्त की भी यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है कि हम जितना हो सके इन पॉलीथीन को अभी प्रयोग बिल्कुल रोकें, जो कि हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का स्वच्छता अभियान यहाँ पर मथुरा जंक्शन पर चलाया गया है और इसमें यहाँ पर लगभग 400 से ज्यादा निरंकारी भक्त सुबह से लेकर बड़े उत्साह के साथ जुटे हुए रहे हैं और पूरे जो भी रेलवे स्टेशन के प्रत्येक प्लेटफार्म के चप्पे चप्पे पर इन्होंने अपने हाथों से सफाई की है और खासकर ऐसे स्थानों को छुआ है जहाँ पर अधिक गंदगी रहती है और कम सफाई हो पाती है, जैसे कि प्याऊ है या बहुत गंदा कर देते हैं उस पर उन्होंने ऐसे चमकाया है जैसे कि घर की रसोई चमकाते हैं। इस तरीके से उन्होंने ये यहाँ पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जो संदेश है कि जो हम घर घर में ये स्वच्छता का संदेश दें और उसको व्यवहारिक रूप से दिखाएं, तो वो निरंकारी भक्तों ने कर दिखाया है। और आज यहाँ पर इस अभियान में ही PSC रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र रत्न जी भी आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर पूरे इस कार्यक्रम का अवलोकन ही नहीं किया बल्कि निरंकारी भक्तों का उत्साहवर्धन भी किया। तो मैं उनसे ही जानना चाहूंगा कि जो आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का ये अभियान हुआ है इस संदर्भ में वो आप अपने विचार क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज इस स्वच्छता अभियान जो संपूर्ण भारत में आज 150वीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जी के दिवस पर मैं संत अपना निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से जिस तरीके से आपने अपने जीवन में स्वच्छता और संत भाव को जो आपने प्रदर्शित करके इस स्टेशन पर दिखाया है, मैं आपको नमन करता हूं और उन संत जी को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपनी भावना से प्रेरित होकर के आपको भी जन जागरण के रूप में प्रेरित करके यहां तक पहुंचाया। स्वस्थ अगर शरीर बनेगा तो स्वस्थ जीवन बनेगा, स्वच्छ भारत बनेगा और स्वस्थ भारत बनेगा तो शक्तिशाली और श्रेष्ठ भारत बनेगा। एक तो यात्रियों, आप कभी भी रेल पटरी को उस ट्रैक को क्रॉस मत करो,
आप जुर्माना तो दे सकते हो लेकिन हम आपका जीवन वापस नहीं कर सकते। जीवन आपका बहुत कीमती है और पुनः उस निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को और उनके समस्त टीम और पदाधिकारियों को मैं पुनः आभार धन्यवाद नमन करता हूं कि ये टीम देश में जागरूकता पैदा कर रही है। आपका अग्रसरणी भारत और आपका परिवार श्रेष्ठ भारत सुदृढ़ भारत की ओर बढ़े मेरी सद्भावनाएं शुभकामनाएं है मेरी संपूर्ण कमेटी और टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। पीएससी रेलवे बोर्ड के ये चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न जी के विचार थे और मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर श्री एनपी सिंह और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के मथुरा जोन के जोनल इंचार्ज श्री एच के अरोड़ा जी और संत निरंकारी सेवादल के संचालक श्री मोहन सिंह जी और शिक्षक अशोक दयालु के नेतृत्व में लगभग 400 निरंकारी भक्तों ने यहाँ पर सुबह से लेकर 12 बजे तक निरंतर सफाई अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं किशोर स्वर्ण इसरानी।